प्याज काट रहे हैं, आज प्रोग्राम बना है, चावल और आलू मिक्स करके पकाएंगे, जिसको आलू पुलाव कहते हैं या आलू बिरयानी कहते हैं, आज उसका प्रोग्राम है बनाने का। और सबसे पहले जो है हम प्याज काटेंगे, प्याज काट रहे हैं, प्याज कट रहे हमारा, प्याज के जो है वो प्याज के छिलके जो है वो उतर गए, अब इनको काटते हैं। ये प्याज को बारीक बारीक काटेंगे, काट रहे हैं, लड़के खुद ही कर रहे हैं क्योंकि एक्सपर्ट तो हमें से कोई भी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये अदरक काट रहे हैं, अदरक के जो है छिलका वो निकाल रहे हैं चालू में डालने के लिए। अदरक थोड़ी छोटी छोटी अदरक काटेंगे, उसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, देसी काम से हम पीसेंगे, देसी तरीके से तो पीस लेंगे थोड़ा सा। ये हरी मिर्च काट रहे हैं जी, हरी मिर्च भी काट लेंगे, अब टमाटर काट लेंगे, छोटे छोटे टमाटर काटेंगे। ये मसाले का जो है जो आलू पुलाव है उसके मसाले का माल तैयार हो रहा है। आलू काट रहे हैं जी, आलू काट रहे हैं जी, आलू के बल्कि छिलके उतार रहे हैं इसके ऊपर से, अगर सफाई हो जाए उसके बाद इसको धोएंगे, धो चुके हैं एक बार लेकिन इसके जो है वो धो के। ये जी चावल धो रहे हैं, सब्ज़ धनिया है जी, इसको थोड़ा काट लेंगे बारीक बारीक, आलू जी काट लेंगे थोड़े से मोटे ही काटेंगे। चीज़ें हमारी तैयार हो ही गई हैं अल्लाह के करम से। ये बिरयानी मसाला है, ये सुरख मिर्च है वो भी है लेकिन हमने पैकेट वाली मंगवाई थी, और ये नमक है, और ये हल्दी है, ये प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और नींबू अगर डालना चाहें तो, इसमें धनिया सब्ज़, आलू और चावल की, और ये अदरक का जो हमने पेस्ट बनाया है ये, और ये चिकन करोड़ अगर डालना चाहें आप तो आपकी मर्ज़ी, इसमें हम डालेंगे। ये हमने जो है आग जला ली है, थोड़ा सा इसको मिर्चके को थोड़ा गर्म करेंगे, उसके बाद फिर इसमें अभी ये डालेंगे, तकरीबन 1.5 किलो चावल है और इनमें आधा किलो तो नहीं बढ़ेगा, तकरीबन 1.5 पाव जो है वो घी डाल रहे हैं जी, और इसका हमारा काफ़ी गर्म हुआ हुआ है। प्याज डाला है, प्याज को डालेंगे जो काटा हुआ था, इसमें जी सुरख मिर्च डालेंगे, सुरख मिर्च जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक डालनी है जितनी आप पूछेंगे, और साथ हल्दी डालेंगे जो आप पूछेंगे जितनी वो डालेंगे, और नमक, नमक इसके अंदर डालेंगे जितना आपको चाहिए उतना डालेंगे, जो अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम अदरक डालने लगे जी, अदरक का जो पेस्ट बनाया हुआ था वो बना लेंगे, इसके अंदर डाल दिया है, ये जी नींबू छोटा छोटा करके ना बारीक, बिल्कुल बारीक करके काट के इसके अंदर काट देंगे, एक जो है लीमू इस्तेमाल कर रहे हैं।